आप लोग मतलब टिकट लेना होता है। तो फाइनल गाइस हम लोग होटल से निकल रहे हैं। हमारे ये हमारा रूम हम लोग छोड़ रहे हैं यहाँ, 4 बेड का हमने जो लिया था। ये रूम नंबर है 204 और चाबी पे क्या नंबर है अपने 103। यार ये मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बाहर का भी नज़ारा दिखा दूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। ये हम लोग एकदम रेलवे स्टेशन का जो आपको गेट दिख रहा है वो गेट के सीधे ही आप अंदर आएंगे तो यही रोड पर आपको ये मिलेगा, कैपिटल गेस्ट हाउस और कैपिटल रेस्टोरेंट होटल। तो इन्हीं का रेस्टोरेंट और इन्हीं का होटल भी यहाँ पर चलाया जाता है, ये देख सकते हैं आप लोग। और अब हम जाने वाले यहाँ से नीचे की ओर। भाई बाकी मेरे सब साथी इधर नीचे चले गए, मैं अकेले यहाँ पर। बहुत पूरा चेंज हो गया है, हम लोग हैं न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर और ये चारों तरफ देख सकते हैं आप पूरा ब्रिज से ब्रिज है ब्रिज। तो भाई ये ब्रिज बना रखा है यहाँ न्यू दिल्ली का मेट्रो के लिए। ये देखो यार कितना बड़ा है, कार पार्किंग की ओर सीधा ये ज्वाइन कर दिया रास्ता ब्रिज से और ये जा रहा है येलो लाइन मेट्रो स्टेशन की ओर। पूरा नया कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अभी मैं इतने इसके पहले आया था तो ये ब्रिज मुझे नहीं दिखा। तो गाइस ये हमारे चंदू को बहुत ही तेजी से चल उतर गए एकदम सीधे की ओर। हेलो। तो भाई यार हम जा रहे मेट्रो स्टेशन की ओर, बहुत ही फुर्ताई से चंदू बाबू ने अपने कदम बढ़ाए जैसे ही झंडा आगे आया। भाई ये है दिल्ली के शॉप कैमरा मार्केट में हम लोग आए और ये कांता जीप क्रेन प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ से हमने लिया है हमारा एक गिम्बल मोबाइल का, ये मेरे हाथ में। आ रहे हैं आगरा से ताजमहल की ओर, जो ऑटो हमने लिया है यहाँ से आगरा के स्टेशन के बाहर, और ये अंकल जी हमें लेकर जा रहे हैं। कहाँ कहाँ घुमाएंगे अंकल जी? घुमाने का कितना चार्ज लेते हैं आप लोग? घुमाने का चार्ज लेते हैं भैया 650 रुपये, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है ताजमहल ही। ताजमहल 650 में क्या क्या आएगा? तो ताजमहल, आगरा फोर्ट, मीना बाजार, बालाजी टेम्पल, ये सब साइड सीन होता है। अच्छा, कितने देर में वो कवर करेंगे पूरा? सुबह से शाम तक होता है 5 बजे। समय नहीं यार हमारा, 1 घंटे बाद हमारी ट्रेन है 6 बजे की। आप तो अभी आगरा फोर्ट ताजमहल देख सकते हो और मार्केट देख सकते हो। क्या देख सकते हैं? मार्केट वगैरह घूम सकते हो, ताजमहल फोर्ट। अगर फोर्ट देखना देखना चाहो तो बाहर से देख सकते हो, अंदर से ताजमहल के पीछे वाले एरिया में जाना है तो वहाँ से ऑटो मिल जाएगा। या ताजमहल के पीछे वाले एरिया में जाने से भी फायदा थोड़ी, वो तो और लंबा पड़ेगा आपको जाना। आगे बात नदी के उधर से घूम के जाना होगा। नदी के ऊपर से कोई गेट नहीं है, नदी के पार से गेट नहीं है, इसी तरफ है सारे गेट। अच्छा नहीं, हमको ताजमहल अगर पीछे बाहर से देखना है मतलब नदी के उस साइड से, नदी के उस साइड से, तो आपको मेहताब बाग जाना पड़ेगा। मेहताब बाग जी। भाई ये मेन गेट से हम लोग को उतार दिया गया रिक्शे से और यहाँ से फिर अंदर जाना होता है हमें पैदल। यार शू अलाउ नहीं है, शू के ऊपर ये कवर चढ़ाना होता है हमें, ये तो हमको पता है। ले लेते क्या? तो 5-5 रुपये के ले लेंगे आगे। दोनों ओर यार लाल दीवार जब से स्टार्ट हुई है वहाँ से अंदर तक पूरा रेड ही रेड दिखने को मिलेगा आपको यहाँ। और हमें लाया गया बैक साइड वाले गेट में और बोला गया कि फ्रंट वाला गेट है, ऐसा ही होता है यार, बाहर आएंगे तो आप। तो भाई यहाँ से हमें टिकट लेना होता है, ये टिकट घर में आ गए हम लोग लाल किला के, और ये हमारे प्रवीण भाऊ खड़े हैं टिकट के लाइन में। 50 रुपये यहाँ पर टिकट देना होता है आपको, और टिकट लेने के बाद फिर जाएंगे हम लोग यहाँ से राइट साइड जो सीधा ही हमें गेट की ओर लेकर जाएगा। ये बहुत बड़ा टिकट काउंटर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल एक ही काउंटर यहाँ पर ओपन है। ये देखिए विदेशी पर्यटक का भी काउंटर अलग से होता है, लेकिन यार सब ऑनलाइन होने की वजह से ये काउंटर बंद बंद देखने को मिल रही है। यहाँ का ये व्यू देखिए आप, ताजमहल यहाँ से नहीं देखने को मिलेगा आपको, काफ़ी दूर होता है यहाँ से, मतलब सारी दीवारों के पीछे छुपा हुआ है। वहाँ भी जाएंगे हम लोग, वहाँ जाने के बाद देखने को मिलेगा इतना बड़ा ताजमहल, लेकिन ये गेट से आपको कुछ भी नहीं देखने दिखाई देगा। यहाँ से भी वाटर का टैंक लगा हुआ है, इतनी ज़्यादा रश है यहाँ पर, पानी बहुत महंगा होता है इसीलिए। तो ये है ताजमहल का मेन एंट्री गेट जो आप देख रहे हैं फ्रंट ऑफ साइड में, और ये देख सकते हैं काफ़ी सारे ऐसे गेट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे चारों तरफ।
तो यहाँ से आपको देखने का मिलेगा ताजमहल का फ्रंट व्यू। तो अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ से, देखिए ये दिख रहा होगा आपको। तो ये देख सकते हैं आप लोग खूबसूरत ताजमहल का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ एकदम फ्रंट से। हो चुके यार हम लोग, 50 रुपये में टिकट देना होता है। एंट्री नॉर्मल यहाँ 50 है और फॉरेनर्स का अलग होता है काउंटर भी और टिकट भी, ऑनलाइन आपको बुक करना होता है। तो भाई अब हम जा रहे हैं ताजमहल की ओर, गेट से सीधे ही अंदर। तो भाई जितना करीब हम लोग जा रहे हैं ताजमहल के, उतना ही प्यारा व्यू यहाँ पर होते जा रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, मतलब पहुंच चुके ताजमहल की चारों ओर हमने राउंड किया है। ये चंदू बाबू हमारे साथ। चंदू बाबू हाँ सर, कैसा लगा आपको ताजमहल देख के? बहुत बढ़िया, मजा है। नहीं है और आएंगे दोबारा? और दोबारा आएंगे। आप आएंगे फैमिली के साथ? आना चाहते हैं हमारे सर। तो अभी तो हमारा बहुत लेट हो चुका है, हम लोग जाने के लिए तो काफ़ी समय हो गया है। बहुत ज़्यादा कंटिन्यू ट्रैवल कर करके हमारे सर थक गए। यहाँ से हमारा 6:30 का ट्रेन है तो अब 6:30 बज भी गए। एक घंटे में हम लोग को यहाँ से रिटर्न जाना है हमारे स्टेशन पे, और मिलते हैं हम लोग स्टेशन पे। चलिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ से रिटर्न रेलवे स्टेशन के लिए, यहाँ से हम लोग आए थे। वो आते वक्त हम लोग दूसरे ऑटो में आए थे, जाते वक्त हम लोग दूसरे ऑटो में जा रहे हैं अंकल जी के लिए। चलिए ना, हाँ पैसा थोड़ा। तो यार ये सफर आज आगरा से अब जा रहे हैं हम लोग नागपुर के लिए। तो यार ये कम बजट में जो हमने ट्रिप प्लान किया था आगरा से, फिर हम लोग बैठ गए थे गाड़ी के अंदर और चल पड़े फिर से हमारे शहर की ओर। देख सकते हैं आगरा। चलो भाई ट्रेन के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला हमें। 3rd AC में हमने रिजर्वेशन किया है और ये एक लाइट देखिए आप, ये जो आपको छोटा सा दिख रहा होगा यहाँ पे, ये तो एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। सभी डब्बे में जितने भी सीट्स हैं सभी सीट्स के पीछे आपको एक नाइट लाइट दे दिया है, लैंप की तरह छोटा सा, जो आपके फेस पर भी नहीं आएगा और रात भर आप लाइट के साथ आराम से सो सकते हो। हमारे सत्यम कुमार ये बंद कर दिए, ये चालू कर दिए। ये काफ़ी अच्छा एक कॉन्सेप्ट देखने को मिला हमें। जीटी एक्सप्रेस में हम लोग बैठे हुए हैं, मिलते हैं मॉर्निंग में। फाइनली हमने पूरा हमारा जो ट्रिप प्लान किया था क्या है, गर्म है क्या? गर्म है, बहुत गर्म है। बाय बाय, मिलेंगे अगले ट्रिप में चंदू भाऊ के साथ में। 2-3 दिन में गर्म हो गए। <गारी थे। laughs>